बिहार में बीजेपी केवल आग लगाना और देश में आग लगाना जानती है। जो पलटी मारोगे सो राज करोगे, ये नहीं चलेगा। हंगामा करना इनका काम है, कोई लेना देना इससे नहीं है। ये तो राज करना चाहते हैं और ये सरकार विफल हो गई है और अडानी अंबानी का बक्सा भरना चाहते हैं और सरकार शराब जानलेवा साबित हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज सत्र के अंतिम दिन भी क्या हंगामा होगा। बिहार में जहरीली शराब पीकर अब तक लगभग 62 लोगों की मौत हुई है। सारण से जो खबर निकल के आई, छपरा में बीजेपी के नेताओं ने जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की, लेकिन अब बात आ रही है मुआवजे पर। पीड़ित परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा बीजेपी के कहना है। अब बीजेपी मांग तो कर रही, विपक्षी पार्टी है, लेकिन आरजेडी की ओर से भी कहा जा रहा है कि सरकार का अपना काम होता है। अब ऐसे में गरीबों को जो जहरीली शराब पीकर मर गए हैं, उनके परिजनों को क्या मुआवजा मिलेगा, बहस जारी है। सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर आरोप लगाया है। ऐसे में आरजेडी के विधायक और बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं जब आमने सामने टकराहट हुई, तो सुनिए। अगर उनके पास आंकड़ा है तो आंकड़ा पेश करें और उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा दे कितने लोग मरे हैं, वो मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा दे, वो कर्नाटक का भी दे, गुजरात का भी जारी करें कि आंकड़ा कितने हैं शराब मरने वालों का। बिहार में बीजेपी केवल आग लगाना और देश में आग लगाना जानती है, बुझाना जानती ही नहीं है। तो वो आप लोग कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहे, दीजिएगा ना। ये तो सरकार का प्रावधान है कि शराब पीना सरकार माने सरकारी कानून का उल्लंघन है। कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर सरकार, अगर उसमें नियम होगा तो निश्चित रूप से सरकार देगी। मोदी कह रहे हैं कि 2016 में जब गोपालगंज में घटना घटी, तो अब सवाल है कि जब वो थे उप मुख्यमंत्री और हम लोग जब विपक्ष में थे तो कितने लोग शराब से मरे थे, कहीं सरकार वो उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए मुआवजा देने का काम किया था। और वो सवाल, हंगामा करना इनका काम है, नहीं जनता का काम। तो यही बीजेपी वाले नहीं करना चाहते हैं, जनता के हित में कहां कहीं देश और दुनिया में ये काम करना चाहते हैं। ये तो राज करना चाहते हैं और अडानी अंबानी का बक्सा भरना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आरजेडी अभी कह रही है कि सरकारी आंकड़ा जो आप कह रहे हैं कि डाल के छुपाया जा रहा है, तो असली आंकड़ा आप लोग पेश कीजिए। 100 से ज्यादा है, हम लोग तो कह रहे हैं 100 से ज्यादा जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई है और जब तक मुआवजा नहीं देंगे तब तक सदन नहीं चलेगी। सदन से बाहर कल से हम लोग सड़क पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री का ऐसा कहना कि पियोगे तो मरोगे, कैसा देखते हैं? ये बिल्कुल संवेदनहीनता है, पियोगे तो मरोगे, आज जो पलटी मारोगे सो राज करोगे, ये नहीं चलेगा। मुआवजा मिला है 16 में मिला है मुआवजा, खजुरबनी में जनता के हित से आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसा आरजेडी का कहना है, हंगामा कर रहे हैं। अब तो आरजेडी तो बोलेंगे ही जो हमको जनता से मतलब नहीं है, लेकिन जन सौकार के मुद्दे पर आप देख रहे हैं कि बिहार में इतनी बड़ी घटना घट गई और उन लोगों के कोई लेना देना इससे नहीं है, लगता कि सरकार के पास जवाब नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है और ये सरकार विफल हो गई है और सरकार शराब जानलेवा साबित हुआ है। तो बिहार विधानमंडल के इस शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन क्या कुछ बातें सामने निकल के आ रही हैं, आपने सुना है जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो क्या उस वक्त भी हंगामा होगा, अगर हंगामा होगा तो फिर क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों ही अपनी अपनी बातों को रखेंगे, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।